अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? होप सो आप लोगों ने पिछला लर्न कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगेन चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर हमारे पास 23 है। ठीक है, इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 3 के 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास था वैस्कुलर सिस्टम सिस्टम ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था जिसकी आपको लर्निंग दे दी गई है, जो आप लर्न कर चुके हैं। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड। राइट नोट ऑन द फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड, कहते हैं उस उन असरात का नाम लिखे जिन पे वर्किंग, जो ट्रांसपिरेशन की वर्किंग है वो डिपेंड कर रही होती है। तो ट्रांसपिरेशन आपको बताया गया था वाटर का बुखारात बन के या वेपर्स की फॉर्म में लीव से डिफ्यूज आउट हो जाना क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। मतलब वाटर अगर बुखारात बन के उड़ जाता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन जो डिपेंड करते हैं इनकी वर्किंग पे। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास विंड है, हवा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ फास्टर एज द वाटर वेपर इज़ ब्लोन अवे, कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फास्टर होगा जैसे जो वाटर वेपर्स होंगे ब्लोन अवे उड़ जाएंगे। वाइल पासिंग थ्रू आउट द लीव, जब वो लीव से निकलेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, फास्टर होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में क्या चीज़ बताई गई है, कहते हैं अगर तो दिन गर्म होगा ऑन अ वार्म डे, अगर तो दिन गर्म होगा तो वाटर एवेपोरेट फास्टर, तो जो अभी बुखारात बनने का जो अमल है ना वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी होना। ठीक है, कहते हैं ऑन अ रेनी डे, अगर तो दिन होगा बारिश वाला या नमी वाला थोड़ा होगा, मतलब सनी डे नहीं होगा। द एवेपोरेशन, तो जो बुखारात बनने का अमल है ना उस दिन वो क्या होगा, स्लो डाउन होगा। तो मतलब एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, तो जो वाटर का एवेपोरेशन बन के निकलना है ना लीव से वो स्लो डाउन होगा, किस दिन, रेनी डे वाले दिन या जिस दिन थोड़ी नमी होगी, जिस दिन थोड़ा दिन इस तरह का होगा कि सनी डे नहीं होगा। उसके बाद टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ डे का क्या मतलब है यहाँ पे, कहते हैं जो स्टोमेटा होते हैं ना जो लीव्स की लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं वो ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, वो दिन के वक्त ओपन हो रहे होते हैं। एंड यूजली और आम तौर पे वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं एट नाइट, और रात को वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। इस वजह से रेट ऑफ जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, जाहिर है दिन के टाइम ही होता है। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास रीडिंग टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। पहले हम लोगों ने देखा था फ्लो ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स, ये हमारा रीडिंग टॉपिक था कि वाटर की मूवमेंट प्लांट में कैसे होती है। अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड जो तैयार हुआ होता है प्लांट में उसकी मूवमेंट अगर वो लीव में प्रिपेयर है तो वो आगे कैसे पूरे प्लांट में जाता है वो देखने आज हम लोगों ने। ट्रांसपोर्ट मतलब खुराक का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, वो चीज़ देखेंगे हम लोग। फूड सब्सटेंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड, कहते हैं जो फूड के सब्सटेंसेस होते हैं वो आर प्रिपेयर या मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है तैयार करना। ठीक है, कौन तैयार करता है, लीव्स। पहले भी चीज़ बताई गई, फर्स्ट चैप्टर में भी बताई गई कि लीव बेसिकली जो फूड होती है वो लीव में प्रिपेयर्ड होती है, वहाँ पे होती है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर टू द अदर एरिया, और फिर वो लीव से ट्रांसपोर्ट की जाती है, भेजी जाती है टू द अदर एरिया, दूसरे हिस्सों तक, बाय फ्लोएम टिश्यूज, किसके ज़रिए, फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए। ठीक है, तो फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है, जो लीव में खुराक प्रिपेयर हुई होती है उसको लीव से प्लांट के दूसरे एरिया तक लेके जाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, शुगर का मतलब फिर यहाँ पे फूड ही आएगा जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड फूड, और जो दूसरी खुराक तैयार हुई होती है फ्रॉम द लीव्स, फिर वो लीव से कहाँ चली जाती है, स्टोरेज एरिया। ठीक है, स्टोरेज एरिया हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा था फ्लोएम में, स्टोरेज एरिया हमारे पास कौन से थे, रूट्स था, फ्रूट्स थे हमारे पास, सीड्स थे, यहाँ पे आके खुराक क्या होती है, स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, फिर लीव से कहाँ पर आ जाती है, स्टोरेज एरिया में, और फिर कहाँ पे, ग्रोइंग पॉइंट, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर क्या बताया गया, ग्लूकोज फॉर एग्जांपल्स मिसाल के तौर पे मूव करता है फ्रॉम द लीव्स, लीव से वेयर इट इज़ मेड, जहाँ पे ये बनाया जाता है। ठीक है, खुराक जो होती है वो कहाँ होती है, लीव में। ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फिर वो कहाँ पे मूव होती है, अपवर्ड थ्रू द फ्लोएम सीव, फिर ये फ्लोएम सीव में, क्यों, क्योंकि आपको पता है फ्लोएम सीव में क्या होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं लाइक स्टेनर, ये मैंने आपको छलनी बताया था इसकी। ठीक है, उर्दू जो थी सीव की,
इन द स्टेम, फिर वो स्टेम में चली जाती है, उसके बाद टू द डेवलपिंग लीफ, फिर वो लीव्स में जाती है, उसके बाद फ्लावर्स में जाएगी एंड देन फ्रूट्स में चली जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने मूवमेंट आपको बताई हुई है कि फूड कैसे लीव्स के बाद कहाँ पे जाएगी, फ्लोइम सीव में छोटे छोटे सुराख के जरिए स्टेम तक चली जाएगी, उसके बाद लीव्स में, देन फ्लावर्स में, देन फ्रूट्स में चली जाएगी। ठीक है, इट आल्सो मूव डाउनवर्ड इनटू द ग्रोइंग रूट टिप, और फिर आखिरकार कहाँ पे पहुँच जाएगी, जहाँ पे नेक्स्ट ग्रोइंग टिप होंगी प्लांट की, वहाँ पे, ताकि नेक्स्ट फिर अगेन ये यूटिलाइज हो सके।